केरला स्टोरी, ये फिल्म आपको अंदर से हिला डालेगी। तो इस फिल्म के अंदर इतने मैटर इससे जुड़ गए ना कि थिएटर से ज्यादा ये फिल्म न्यूज चैनल्स पे छाई हुई है, क्योंकि जब से इसका टीजर आया तब से कई लोगों के अंदर का जो एक्टिविस्ट है वो डफली थाली मंजीरे लेकर तैयार हो गया था। मांग बस यही थी कि इस फिल्म को बैन किया जाए। तीन अलग अलग प्लीज भी कोर्ट में डाली गई और तीनों ही रिजेक्ट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिटिशनर्स को बोला कि सेंसर बोर्ड ने जो फिल्म क्लियर कर दी है तो आप लोग थोड़ा हवा आन दें, जगह खाली करें और सही फोरम में जाके गला फाड़ें। वहीं सेंसर बोर्ड ने इसमें 10 बदलाव किए और इसे ए सर्टिफिकेट भी दे दिया है। अब क्या ये फिल्म उन चेंजेस के बाद उतनी इंपैक्टफुल रह जाती है, उसमें हमारा क्या ओपिनियन है, इस वीडियो में वो भी बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बताएंगे कि कैसे आपका ओपिनियन आपको पैसे दिला सकता है। ठीक है, तो देखिए फिल्म की कहानी बड़ी सिंपल है। इसका पहला ही फ्रेम कहता है कि ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, बेसिकली फ्लैशबैक स्टोरी है। फिल्म की शुरुआत अफगान ईरान बॉर्डर पर यूनाइटेड नेशन की जेल से होती है, जहां पर एक आईएसआईएस के टेररिस्ट को लाया जाता है। कहानी का रिवीलेशन उसके बाद से शुरू होता है। उस लड़की को फातिमा कहकर बुलाया जाता है, लेकिन वो अपना नाम शालिनी उन्नीकृष्णन बताती है। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां चार लड़कियों की कहानी को एक हॉस्टल में दिखाया गया है। नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने आई इन लड़कियों के पीछे कैसे रेडिकल एलिमेंट्स ट्रैक करने लगते हैं, कैसे उनमें से एक लड़की बाकी के रिलीजियस बिलीफ्स को लगातार क्वेश्चन करती रहती है, चाहे वो पूजा पाठ करने का तरीका हो या रिलीजियस बुक्स या भगवान। फिल्म यहीं से अपना असली असर देना शुरू करती है, कैसे फिल्म में पहले प्यार आता है फिर ड्रग्स, उसके बाद कहानी अफगानिस्तान और सीरिया पहुंच जाती है, कैसे लड़की को ट्रैप किया जाता है, फिजिकल रिलेशंस बनाए जाते हैं, उनका कन्वर्जन होता है और बाकायदा इसका पूरा नेक्सस होता है, कैसे वो आईएसआईएस के कैंप में सेक्स स्लेव बना दी जाती है और एंड में उनमें से कई सुसाइड बॉम्बर बनकर या तो मारी जाती है या सिर्फ एक ब्रीडिंग मशीन बनाकर बाजार में बेच दी जाती है। आपको सुनने में जितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना, ये उससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है जब आप इसे देखेंगे। तो फिल्म बहुत इंपैक्टफुल तरीके से की गई है, वहां हिट करती है जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये द कश्मीर फाइल्स इतनी इंपैक्टफुल है? देखिए, इस फिल्म को लेकर बवाल खत्म नहीं हुआ, अभी तो और जोर शोर से होगा भैया, क्योंकि फिल्म थिएटर में लगी हुई है, सोशल मीडिया पर इसको लेकर और ज्यादा पंगे हो रहे हैं। कुछ ने तो एकदम से हेट मॉन्गरिंग बोल के रिजेक्ट कर दिया है, वो भी इस बात से डिनाई नहीं कर पा रहे कि इसमें सच्चाई तो है, लेकिन उनको दिखाने के तरीके से दिक्कत है। इसी बात पर मुझे द डार्क नाइट का वो डायलॉग याद आ गया कि सांप को सांप कहो या सांप जी वो काटेगा ही, चाहे आप दिखाने के तरीके कुछ भी कहो, लेकिन इश्यूज के होने से आप डिनाई नहीं कर सकते। मूवी के अंदर भी आदा शर्मा का कैरेक्टर उस सच्चाई को दिखाता है, रोल बहुत बढ़िया है। पूरी कहानी की नैरेटर होने के नाते उनकी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस कही जा सकती है, तालियां उनके लिए खूब बजी हैं और आगे भी बजेंगी। बाकी दो लड़कियों की जिंदगी को भी दिखाया गया, जो ये बताता है कि क्राइम किसी रिलीजन या आइडियोलॉजी को नहीं देखता, बस अपना विक्टिम देखता है। फिल्म के एंड में आपको असली विक्टिम के असली माता पिता के इंटरव्यू भी दिखाए गए हैं। फिल्म में मलयालम कल्चर का ट्रीट छोड़ा नहीं गया है, आदा शर्मा का मलयाली हिंदी एक्सेंट कमाल है, कई सारे डायलॉग्स और सॉन्ग्स भी उसी लैंग्वेज में है। हाँ, वहाँ सबटाइटल से आपको कहानी समझाई गई है। मूवी में शालिनी की माता जी का एक सीन है, वो आपको बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। वहीं उसके क्लाइमेक्स का सीन बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। फिल्म डायरेक्ट ही नहीं इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको कहानी का असली एसेंस फील कराती है। फिल्म डायरेक्ट ही नहीं इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको कहानी की एकदम रूह में लेकर जाती है। इसके क्लाइमेक्स में बताए गए फैक्ट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत करने की जरूरत है। देश के अंदर ऐसा हो रहा है और कोई इस पर बात करने से भी मना कर देता है। फिल्म को एक्सेप्ट करना या न करना तो दूर की बात है, लेकिन फिल्म एक डिबेट का स्कोप तो रखती है। सवाल पूछती है कि कौन सा वो जहर है जो हर गीतांजलि को आसिफा बना देती है और हर शालिनी को फातिमा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कश्मीर फाइल्स जैसी है? तो इसमें देखिए सबके अलग अलग ओपिनियन। हमारे हिसाब से तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि दिखाने का तरीका। उस फिल्म में एक पूरे जेनोसाइड को दिखाया गया, वहीं इसमें एक स्टेट की कहानी को बताया गया जिसमें फैक्ट्स को लेकर ही बवाल मचे हैं। लेकिन क्या ये इंपैक्टफुल है? तो इसका जवाब है हाँ। फिल्म आपको अनकंफर्टेबल करती है क्योंकि यही इस फिल्म की आत्मा है, और अगर इसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर ये होने वाली है। बाकी आपने देखी नहीं देखी क्या लगता है आपको? कमेंट करके हमें जरूर बताना, जो भी आपका रिएक्शन हो।